जिले में गैस, पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त भंडार रहे। पेट्रोल पंप पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखें। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नहीं करें। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन ने हिट एंड रन अधिनियम के तहत ड्राइवरों की हड़ताल के संबंध में चर्चा जिले के पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसी संचालकों और सब्जी मंडी के थोक मूल्य व्यापारियों और ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर बैठक कर ट्रक हड़ताल के संबंध में अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर संदीप माकिन ने बताया कि आगामी दिनों के लिए जिले में गैस, पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त मात्रा में भंडार रहे। अधिकारीगण ये भी सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस का कोई दुकानदार, होटल एवं अन्य व्यवसायिक रूप में उपयोग नहीं करने पावे, जिससे विपरीत प्रभाव ना पड़े। साथ ही घरेलू गैस का प्रदाय उपभोक्ताओं की आवश्यकता होने पर ही प्रदाय किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों को भी अवगत कराया गया कि पेट्रोल डीजल भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखते हुए प्रदाय किया जाए, जिससे शासकीय वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त पेट्रोल डीजल मिल सके। कलेक्टर संदीप पांके ने निर्देश दिए कि जिले में फल, सब्जी, दूध आदि ऑटो रिक्शा से आती जाती है, वह भी पर्याप्त मात्रा में अपना कार्य करते रहें। जिले के अधिकारीगण ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सभी व्यापारिक संस्थानों, दुकानों एवं रेडी ठेलों पर सघन अभियान चलाकर जांच करें कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग तो नहीं हो रहा है। कलेक्टर संदीप माकिन ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिले में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, गैस और खाद्य पदार्थों, सब्जी आदि का स्टॉक उपलब्ध है। इंदरगढ़ से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। माननीय हमारे आयुक्त महोदय, माननीय आईजी साहब ने भी निर्देश दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जिले में किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो बाधित ना हो। इस संबंध में हम लोग ने आज को ना कल भी बैठक की थी, आज भी की, सारे पेट्रोल पंप संचालकों से, गैस एजेंसी वालों से, ऑटो रिक्शा वालों से, लोडर वालों से, जितने भी इस तरह के एसोसिएशन हैं जो एसेंशियल सप्लाईज के लिए जुड़े हुए हैं, उनको बुला के उनको हमने आश्वस्त किया है कि जिले के अंदर भी पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी अगर कोई भी आपके कार्य को बाधित करता, और जिले के बाहर भी मानिए कहीं से भी टैंकर आ रहा है या गैस आ रही है, कोई भी व्यक्ति रोकेगा तो दूसरे जिले के एसपी साहब और डीएम साहब को कह के उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी।